फ्रेंड्स, गार्डन ऑफ ड्रीम्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो शेयर करने जा रही हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। हम सभी लोग ये देख रहे हैं कि आजकल गार्डनिंग में सभी का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि लोग केमिकल युक्त चीज़ें खा खा करके अपना स्वास्थ्य खराब कर बैठे हैं। हर कोई ये चाहता है कि हम केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सब्जियां अपने टेरेस पर ही उगाएं। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही शेयर करने जा रही हूँ कि हम अपने टेरेस पर कैसे ऑर्गेनिक सब्जियां बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपना ये छोटा सा गार्डन इस लॉकडाउन पीरियड में ही स्टार्ट किया था। कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की है कि कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां घर में ही बनाई जाएं। और जो ईजी ग्रो होने वाली सब्जियाँ हैं वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने पहले खुद कर देखा है और आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा भिंडी का प्लांट है। ये मैंने सबसे पहले लगाया था 30 जून को। इसमें से मैंने काफ़ी सारी भिंडियाँ हार्वेस्ट भी कर ली हैं और कुछ अभी भी इसमें आ रही हैं। देखिए कितना बड़ा ये प्लांट हो गया है। मेरे पास भिंडी के कम से कम 4-5 प्लांट हैं और सब में अच्छी भिंडी आती है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये इसमें भिंडी आई हुई हैं। जब तक ये मुझे फल देगा मैं इसको लगाए रखूंगी। अभी मैंने इसको हटाने का नहीं सोचा है। ये देखिए, इसका फ्लावर्स तो बहुत ही सुंदर होता है। इस समय कोई फ्लावर्स नहीं आया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। और ये छोटा सा है भिंडी का प्लांट। ये देखिए, इसमें भी आई हुई हैं और स्टार्ट हो रही हैं। ये देखिए, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये मैंने करेले का प्लांट लगाया है। इसको अभी 1 महीने ही हुआ है। मेरे पास घर में ही कुछ करेले रखे हुए थे, बीज रखे हुए थे, तो मैंने उनको बो दिया। अब 1 महीने में इनकी ग्रोथ इतनी हो गई है। इस पर फूल बनने लगे हैं। अब देखिए कितना टाइम लगता है करेले आने में, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये बीन्स भी मैंने घर पर ही बीज रखे हुए थे और उनको बो दिया है। इसको भी 20-25 दिन हो गए हैं। ये देखिए, इसमें फ्लावर्स शुरू हो गया है, बड्स बन रही हैं और कुछ ही दिन में बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, बीज छोटा सा ही है, इसमें ये फ्लावर आपको दिख रहा होगा। तो इसमें भी बस 20 या 25 दिन में ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इजी ग्रो होने वाली हरी सब्जियों में है वो है मेथी। मेथी के बीज देखिए घर से ही मैंने लिए थे और इनको 1 रात पानी में भिगोकर मैंने इसमें मिट्टी में लगा दिया है, सॉइल में। अब ये 20 दिन की हो गई है और लगभग 20 दिन में ही ये कंप्लीट हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने देखिए धनिया लगाया हुआ है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आसानी से ग्रो हो जाती हैं, आप भी ज़रूर कोशिश करिएगा। यहाँ मैंने देखिए मूली लगाई हुई है, इसको भी अभी 15 से 20 दिन हुए हैं, देखते हैं कब तक तैयार होती है। इधर मैंने ये सरसों लगाई हुई है। सरसों में कुछ ज़्यादा जर्मिनेट बीज नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने बाद में फिर दूसरे पोट में लगाया है, उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन आप होपलेस मत होइए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। हमें रिजल्ट बाद में ज़रूर अच्छा मिलेगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में अपने बच्चों का और अपने बड़ों का ध्यान रखिए और केमिकल से फ्री सब्जियां उगाइए, ऑर्गेनिक सब्जियां अपने टेरेस पर ही। ये मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, नीचे बालकनी में भी हैं, वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकती। ये देखिए, हल्दी भी मैंने लगाई हुई है। ये मेरा हल्दी का प्लांट है। मैंने कच्ची हल्दी को प्लांट में लगा दिया था,
उसके बाद इसका रिजल्ट ये मिला है। तो बस जो कुछ हमें मिलता है हम कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंट करने की, अब देखते हैं कि रिजल्ट कैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।